नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में मैं आपको वास्तु के उस भ्रम से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे लोग कहते हैं कि अगर वास्तु के अनुसार इस नियम का हम पालन करते हैं तो हमें अपार धन संपत्ति सुख सब मिलता है, लेकिन ये गलत है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिसे बारीकी से समझना बहुत ही आवश्यक है। वह तत्व हैं, आज हम दो पॉइंट को लेंगे। वह पहली बात है कि आपका जो प्लॉट है, मकान है, वह दो प्रकार का प्लॉट अगर है तो कौन सा अच्छा अपने निवास के लिए होता है और कौन सा अच्छा व्यापार और दुकान के लिए होता है, इस बारीकी को समझना आवश्यक है। कहते हैं कि अगर गौमुखी प्लॉट है, गौमुखी का अर्थ क्या है इस चीज को समझे कि आगे से प्लॉट का जो भाग है वह छोटा हो, सुकरा हुआ हो और पीछे चौड़ा हो, फैला हुआ हो, तो ये कई जगह पे यह भ्रम बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपका मकान उत्तरमुखी है, प्रत्येक प्लॉट में चार भुजाएं होती है, उत्तर की दिशा, पूर्व की दिशा, दक्षिण की दिशा और पश्चिम की दिशा, ये चार भुजाएं होती है। तो ये चार भुजाओं में अगर उत्तर का आपका मुखी मकान है, आपका निकास उत्तर की ओर है, उसको उत्तर मुखी मकान कहेंगे। उत्तर का भुजा जो है, अगर मान लीजिए कि वह 50 फीट है और जो दक्षिण का भुजा है वह 45 फीट है, इसका मतलब कि यह ठीक विपरीत हो गया। विपरीत कैसे हो गया? यह इसलिए विपरीत हो गया कि यह दिशा जो भुजा बढ़ा हुआ है यह बागमुखी कहलाया। गौमुखी या बागमुखी हम दो प्रकार के प्लॉट को मानते हैं। यह अपने लिए अच्छा होगा, जबकि यह भ्रम है कि अगर बागमुखी मकान है तो यहाँ पर निवास अच्छा नहीं हो सकता है, रहने वाले सुखी से नहीं रह सकते हैं और व्यापार इत्यादि के लिए अच्छा हो सकता है, दुकान के लिए अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को समझें कि उत्तरमुखी का मतलब बढ़ना कि पूर्व ईशान आपका बढ़ गया, पूर्व ईशान बढ़ गया। पूर्व ईशान बढ़ने का मतलब है कि आपके जो चार भुजाएं हैं वह भुजा, जो पहला भुजा है उत्तर का, वो बढ़ा हुआ है। तो यह भुजा अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप जो 50 फीट है उस 50 फीट के बढ़ने से पूरब के तरफ, अर्थात जो पूरब का ईशान है वह बढ़ गया। कोई भी ईशान बढ़ा हुआ हो वह दुकान और निवास दोनों के लिए अच्छा रहता है। तो ये भ्रम बिल्कुल कतई नहीं है। ऐसे प्लॉट हर हमेशा निवास के लिए भी और दुकान के लिए भी अच्छा है। अगर यही ठीक विपरीत इसका देखें कि उत्तर का जो भुजा है वह 45 है और दक्षिण का भुजा वह अपना 50 फीट है, तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ईशान कट जा रहा है। जो उत्तर दिशा, उत्तर ईशान और पूर्व ईशान है वह कट रहे हैं, अर्थात ईशान कोण कटना ना निवास के लिए अच्छा है और नहीं तो यह व्यापार के लिए अच्छा है। तो ये भ्रम को इस तरह से हम उठाते हैं, इस पर से पर्दा
कि अगर बढ़ा हुआ भी है उत्तर का भुजा तो यह अपने लिए अच्छा हो सकता है, अगर उत्तर का भुजा गौमुखी भी है तो वह अपने लिए अच्छा नहीं हो सकता। ठीक इसके विपरीत स्थिति को समझें कि अगर दक्षिण का भुजा बढ़ जाता है, एक तो ईशान कट गया, दूसरा नैऋत्य बढ़ जाएगा, तो जब नैऋत्य बढ़ जाएगा तो किसी के लिए वो अच्छा नहीं होगा। वहाँ के मुखिया हरदम परेशान रहेंगे, हर हमेशा कर्ज में रहेंगे, बीमारियाँ रहेगी, इस तरह से उनका समय जो है सो ठीक विपरीत चलने लगेगा। अब देखें कि अगर पूर्व का भुजा बढ़ा हुआ है, पूर्व का भुजा अगर 45 है और पश्चिम का भुजा अगर 50 है तो ये ठीक विपरीत हो गई। फिर ईशान कट गया और नैऋत्य फिर बढ़ गया, तो ऐसे स्थिति में ये विपरीत है। और लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि अगर पूर्व का भुजा 50 है और पश्चिम का भुजा, पश्चिम का दीवाल अगर 45 है तो यह उत्तर का ईशान बढ़ गया, तो ये उत्तर का ईशान बढ़ने से बहुत ही फलदायी होता है। तो इस तरह से इस चीज को समझना आवश्यक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कहा जाता है कि कोई भी जो हम प्रवेश द्वार है जहां से निकलते हैं, निकास द्वार है, ठीक उसके पीछे का भाग अगर ऊंचा है तो अच्छा रहता है। ये थ्योरी बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रारंभिक जो परंपरागत वास्तु आए हैं उसमें ये चीज बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। अगर आपका दक्षिण का भुजा अगर उत्तरमुखी मकान है और दक्षिण का भाग उठा हुआ है तब तो फलदायक होगा। अगर दक्षिण के तरफ आपका निकास है अर्थात दक्षिण मुखी है तो इसका मतलब पीछे का भाग उत्तर हो गया, तो उत्तर का भाग उठा होगा, तो यह कभी भी आपके लिए फलदायक नहीं हो सकता। ठीक इसके विपरीत अगर पूर्व की ओर आपका निकास है अर्थात पूर्वमुखी मकान है तो पश्चिम का भाग अगर उठा हुआ है तो आपके लिए फलदायक है। और ठीक इसके विपरीत अगर पश्चिम का द्वार है, पश्चिम मुखी मकान है, तो निश्चित रूप से ये आप समझें कि पूर्व का भाग उठ जाएगा तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसको हम वास्तु में ढाल कहते हैं। ढाल दो प्रकार के ही, तीसरी बात बता रहे हैं, ढाल दो प्रकार के ही सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर अगर ढाल आ रही है भूमि की तो निश्चित रूप से ये सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल आ रही है तो निश्चित रूप से सही है। और अगर ठीक इसके विपरीत है कि उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल जा रहा है तो ये विपरीत नहीं है, ऐसे स्थिति में ऐसे प्लॉट को नहीं लेना चाहिए और मकान नहीं बनाना चाहिए। पूर्व के तरफ उठा हुआ है, पश्चिम का ढाल हो गया, पश्चिम के तरफ जा रहा है, तो ये भी उचित नहीं है। तो ये बारीकी जो है वास्तु के बहुत गंभीरता से समझने की है। जो भी ये ज्ञानवर्धक सारे वीडियो हैं जो हम आपको दे रहे हैं आपके लिए, यह बहुत ही लाभदायक है, आपको यह सफलता मान सम्मान सब देगा। अगर इस नियम को आप मानते हैं, हमारे वीडियो को और आगे जा करके आप देख सकते हैं, कई आई लिंक में आपको दिया हुआ है कि आप वहां जा करके देख सकते हैं। पूरी वास्तु पर ही ये सीरीज चल रहा है लगातार, वास्तु के बाद सीरीज न्यूमरोलॉजी का आएगा और फिर ज्योतिष के कुछ रहस्य को हम उठाएंगे। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।